रहते हैं मधोश। शंकर मुसलमान हो गया, आयशा से शादी कर ली। इसे मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। आइए इंस्पेक्टर साहब, गिरफ्तार कर लीजिए इसे। हथकड़ी लगाओ इनको। तलाक हमारे माशरे में औरत के लिए गाली से कम नहीं है। किस माशरे की बात कर रहे हैं आप? क्या तलाक का इख्तियार सिर्फ मर्द को है? जो ये गाली दे रहा है उसके लिए तलाक गाली नहीं बनती, तो फिर औरत के लिए क्यों बन जाती है? रक्षी का क्या है, पांव जम जाएगा तो रक्षी को साइड पे लगा दूंगा। खूब भाई। तुम यहाँ पे बैठी हो? हाँ, सारे दिन दफ्तर में नजर नहीं आई। बस एक दो काम थे वो किए और घर आ गई। अच्छा, तुमने नए स्केड्यूल पे नजर डाली, निकलवाया उसे? नहीं, याद ही नहीं रहा। चलो कल सुबह जब दफ्तर आप जाएंगी तो सबसे पहला काम ये कीजिएगा, एक नजर प्लीज स्केड्यूल पे। ऐसे कामों में तो कामरान तेज है, सारी फाइल्स मिनटों में कम्प्लीट कर देता है। हाँ, मगर मैं चाहती हूँ कि अब तुम भी कुछ सीख जाओ। भाई हर शख्स अपना अपना काम खुद ही करता है, वो अपना काम कर रहा है, मुझे अपना काम करने दो। तुम ठीक कह रही हो शांजे, लेकिन अब तुम उसका काम भी सीख जाओ। क्यों? इसलिए क्योंकि मैंने उसे दफ्तर से निकाल दिया। क्या? क्यों क्यों निकाला तुमने उसे? क्योंकि वो भी राहिल के नक्शे कदम पे चल रहा था। तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? अंदाजा है। तुम अंदाजे पे अंदाजा मत लगाओ, वो बहुत सच्चा और वफादार इंसान है। शांजे, जिन्हें रातों रात अमीर बनने का शौक होता है वो किसी के वफादार नहीं होते। हर इंसान राहिल जैसा नहीं होता और हर कोई फरिश्ता भी नहीं होता। तुम्हें पता है कामरान तुमसे किस लिए शादी करना चाहता है? ताकि वो हमारे बिजनेस और हमारे घर पे कब्जा कर सके। पता नहीं तुम्हारे अंदर ये जहर कौन भरता रहता है। तुम अभी बच्ची हो शांजे, तुम इन बातों को नहीं समझोगी। कामरान को निकालने की सबसे बड़ी वजह यही थी कि वो तुम पर अपनी मेहरबानियों का जादू ना कर सके। ये बिजनेस हम दोनों का है, अगर तुम कामरान को निकाल सकती हो तो मैं उसे वापस ला सकती हूँ, और मैं उसे वापस ला कर दिखाऊंगी। जल्दी में यही मिला, लेकिन पैसे मिल जाएंगे ना तो फिर अच्छा घर ले लूंगा। अरे छोड़ ना बेटा, जब तेरी शादी होगी फिर देखेंगे। अच्छा आप बैठे, मैं बच्चे को बुला लूं, सफाई कर दे, इतने दिन से घर बंद है, मट्टी मट्टी हो गया। अरे बच्चे को बुलाने की क्या जरूरत है, छोटा सा तो घर है, बस दो मिनटों में मैं साफ कर दूंगी। अम्मा प्लीज,
मैं आपको यहाँ आराम के लिए लाया हूँ, काम के लिए नहीं। आप बैठे बैठे ना मैं भी आया। ये आपका बैग। मेरा बैग? अगर उनके पास असला ना होता ना तो तारे दिखा देता उन्हें। थैंक्स गॉड, आप मेरे लिए फरिश्ता बनकर आए हैं। अरे हम जैसे लोगों को आप कहां फरिश्तों से मिला रही हैं, बस एहतियात किया था। अरे आप? आप यहां? वो मैं एक्सक्यूज मी कामरान शाहज़े, आप लोग एक दूसरे को जानते हैं? जी हाँ, ये वही हैं जिन्होंने उस दिन मुझे डाकुओं से बचाया था। आपको ऑफिस में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? जी नहीं, यहाँ पे बहुत सुकून है। इंसान की पहली तलाश ही सुकून है। लेकिन अगर मोहब्बत मिल जाए तो सुकून नहीं ढूंढना पड़ता। बीबी जी, अब्बा मान तो गया है, बस पैसे नहीं हो रहे। क्या जरूरत है तुम्हें शादी करने की? अच्छी खासी जिंदगी गुजार रही हो, सुकून से गुजारो। बीबी जी, शादी सुन्नत रसूल होती है। पहले कौन से फर्ज पूरे कर रही हो तुम जो तुम्हें सुन्नत की फिक्र है? बीबी जी, शादी तो हर एक लड़की का ख्वाब होता है। ख्वाब ही होता है, जब आंख खुलती है तो पता चलता है कि आप बाल सर ले लिया। बीबी जी, शादी तो शादी होती है, आप कुछ भी कहें। जब उठाएगा ना पहाड़ के नीचे तब पता चलेगा। बीबी जी, आपको नहीं पता औरत मर्द के बगैर कुछ भी नहीं होती, चाहे वो उसे अपने पैर की जूती बनाकर रखे। बीबी जी, जमाने की ठोकरें खाने से तो बेहतर है बंदा अपने शोहर की जूतियां खा ले। तुम बहुत बातें करती हो, बाहर देखो जाके कौन है। जी अच्छा बीबी जी। बेटा सो गए? नहीं अम्मा, आपको नींद नहीं आ रही क्या? नई जगह है ना बेटा, और वैसे भी नई जगह पर नींद मुश्किल से ही आती है। आपको घर याद आ रहा है क्या? अरे ये घर नहीं है क्या? मेरा मतलब है कि जहाँ इंसान की सारी जिंदगी गुजर जाए वहाँ की उनसियत तो कुछ और तरह की होती है ना। हाँ ये तो है, हम लोग ठहरे देहाती लोग, खुले माहौल के आदि, और ये शहरी लोग तो हर जगह दीवारें खड़ी कर देते हैं। अम्मा शहर में जमीन कम है, आबादी ज्यादा है, बेचारे कहाँ जाएं? ये बेचारे नहीं है, अपने मफादात कभी भी नहीं छोड़ते। शुक्र है तुझे शहर की हवा नहीं लगी। अच्छा अच्छा ठीक है, अब आप सो जाएं, सुबह अपने नमाज के लिए भी उठना है। ठीक है ठीक है। ये हमारे नेक्स्ट सीजन के एग्रीमेंट्स हैं,
इनकी सारी डिटेल्स आपको सिस्टम पे मिल जाएगी, आपने सिर्फ फॉलो अप रखना है। बिल्कुल ठीक है मैम, लेकिन ये तमाम एग्रीमेंट्स तो शान से आओ, इन सारों की डिटेल्स आपको जिसके सिस्टम में। साहब आप प्लीज जरा बाहर जाइए, मैं आपको दोबारा कॉल करके बुलाती हूँ। ओके थैंक यू। बैठो शान से, खैरियत? सुना है कि तुम फैक्ट्री का सौदा कर रही हो? हाँ प्लान तो है। इस कंपनी का ऑनर कौन है? डैडी और उसके बाद हम दोनों, मगर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? इसलिए कि इसकी खबर ना डैडी को है और ना ही मुझे। डैडी एक माकूल इंसान है, वो हर बात समझते हैं। तो मैं अहमक हूँ? इट्स नॉट दैट शांजे, एक्चुअली इस कंपनी को जितना अच्छा मैं समझती हूँ अभी शुरू में तुम्हारे लिए थोड़ा सा मुश्किल है। इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि मेरे फैसले भी तुम ही करोगी। क्या मतलब? इस प्रॉपर्टी के हम दो मालिक हैं और मेरी मर्जी के बगैर तुम इस फैक्ट्री का सौदा नहीं कर सकती। शांजे तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे मैं सौदा कर चुकी हूँ। अगर मैं तुम्हें मनमानी करने दूंगी तो तुम इसका सौदा कर भी सकती हो। प्लीज शांजे क्या हो गया है तुम्हें? मैं जो कुछ भी कर रही हूँ वो अपने और तुम्हारे भले के लिए कर रही हूँ। अगर डैडी ने मना कर दिया तो? देखो शांजे ये प्रॉपर्टी और कंपनी हम दोनों की है, अगर तुम्हें और मुझे कोई एतराज नहीं है तो डैडी को क्यों होगा? ओके मैडम। तुम यहाँ कैसे? मैडम मैं कल ही गांव से वापस पहुंचा हूँ। तुम आइंदा इस दफ्तर में नजर मत आना, समझे? मैडम मैं तुम जो चाल चल रहे हो ना मिस्टर कामरान, मैं उसे कामयाब नहीं होने दूंगी। मैडम मैंने कुछ नहीं किया मैं। और आइंदा इधर का रुख मत करना, नफ इज इनफ, निकल जाओ यहाँ से। मैडम मेरी बात, गेट लॉस्ट। और हाँ जाते हुए रिसेप्शन से अपना टर्मिनेशन लेटर जरूर लेकर जाना। आउट जी। Thank you.
कामरान आइए, मैं आपको ड्रॉप कर देती हूँ। नहीं जी, मैं चला जाऊंगा, आप खामखा तकलीफ कर रही हैं। तुमने मेरा हक माना है कामरान, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। एक ना एक दिन वापस आऊंगा, फिर देखता हूं कितने दिन चलाते हैं तुम इश्क के बेचैन। मुझे अंदाजा नहीं था कि किंजल इस तरह बिहेव करेगी। कोई बात नहीं जी, वो हमेशा मुझ पे मेहरबान रही है। अगर एक बार वो उन्होंने इस तरह कर दिया तो कोई बात नहीं। आपको ऑफिस की टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, आपकी सीट पर सिवाय आपके और कोई नहीं आएगा। लेकिन आप किंजा मैडम पर मेरी तरफ से प्रेशर ना डालिएगा, वरना आप दोनों में गिरा पड़ जाएगी। उसको पता है मेरी आदत का, मुझसे जिद लगाकर वो कभी भी कामयाब नहीं। लेकिन बदमजगी तो हो जाएगी ना। आपने मेरा गरीब खाना बाहर से तो देख लिया, अब अंदर से भी देख लें। नहीं नहीं, आज नहीं, आज मुझे किसी जरूरी काम से जाना है, फिर कभी सही। आप थोड़ी देर तो लगेगी। मैंने कहा ना, फिर कभी, प्रॉमिस। चलें, आई विल वेट फॉर यू। ओके, बाय फर्स्ट। मैम, जकी सर ने आज हमारे अकाउंट में 50,000 डिपॉजिट किया। व्हाट, सिर्फ 50,000? मगर उनके पास तो बहुत हैवी अमाउंट ड्यू है। मैम, उनके मैनेजर से मेरी बात हुई है, वो कह रहे थे एक हफ्ते में हम आपको पूरी अमाउंट। पर आप बताएं उनको कि ये मिस्टर रऊफ इस वक्त क्यों आ गया, भेजे उसे अंदर। आप काइंडली प्लीज उन्हें फोन करके बताएं कि आपकी कंसाइनमेंट टाइम पे नहीं पहुंचेगी, फिर हमारे सर पे चढ़ते हैं वो लोग। ठीक है मैम, प्लीज। और आप वो बहरिया वालों की फाइल मेरे हाथ से भी आई है, वो आप मुझे ड्रॉप कर दीजिएगा प्लीज। मैं मैडम, मैडम मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूँ, मुझसे बहुत सारी गलतियां हुई मैडम, पर मैं इस वक्त इसलिए आया हूँ। मैडम मैडम, वो मैं ऑफिस में वापस आना चाहता हूँ मैडम। एक आजमाए हुए को बार बार आजमाना बेवकूफ़ी होती है, और मैं ये बेवकूफ़ी दोबारा नहीं करूँगी। मैडम खुदा की कसम, कसमें मत खाओ, तुम पर से मेरा एतमाद उड़ चुका है। जिस ऑफिस में राहिल जैसों के लिए कोई जगह ना हो, वहां तुम्हारी क्या हैसियत है? मैडम मैडम मैं तो माफी मांगने आया। बंद करो ड्रामेबाजी, निकल जाओ यहां से कि मैं गार्ड्स को बुलाऊं। मैडम प्लीज निकल, गार्ड्स एक गेट आउट, आई सेड गेट लॉस्ट।
السلام علیکم ڈیڈی. وعلیکم السلام بیٹا. خیریت ہے؟ تم اتنی جلدی ہی آ گئی ہو آج. بس یوں ہی. اچھا ڈیڈی یہ بتائیے کہ ہماری کمپنی کا مالک کون ہے؟